हेलो दे एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो आज के वीडियो में हम वो बात करेंगे, वो टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए मेरा चैनल मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा लो एंड पीसी, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बता चुका है। i5 थर्ड जनरेशन का मेरा ये प्रोसेसर है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने कोई भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। बट यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड में एक है G4 एक्सपीरियंस। ये मैंने तब इंस्टॉल किया था जब मैंने इस पर ग्राफिक कार्ड लगा के वीडियो बनाया था GTA 5 का। बट अभी इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। मैं आप लोग को एज ए प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पे जाना है हम लोग को कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखिए एडवांस डिस्प्ले पे जाके डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मेरे इस पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा होता तो यहाँ पे उसका नाम शो हो जाता। बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक है, मेरे जो प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक है इंटेल HD 4000, वो शो कर रहा है। इसका मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कम बजट में एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं एंड एमुलेटर में पबजी मोबाइल लाइट, फ्री फायर ऐसा कुछ गेम खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए पीसी बेस्ट रहेगा। फुल पीसी लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम ये वाला जो मेरा सेट है ये आपको 15,000 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है, विद मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ लगा के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो तो 1050 Ti ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेसर के साथ बहुत बढ़िया तरीके से मतलब तालमेल बिठा लेता है, तो आप वो ले सकते हो। 4,000 से ऊपर अगर वो बोलेगा सेकेंड हैंड तो मत देना। 4,000 आप मिनिमम दे सकते हो उस ग्राफिक कार्ड के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो। नहीं तो इस पीसी में चल जाते हैं बहुत सारे गेम्स जो आप लोग लो सेटिंग पे बढ़िया तरीके से खेल पाओगे। एंड मुझे नहीं पता पबजी मोबाइल लाइट इस पे कैसा परफॉर्मेंस देगा। मैंने गेम लूप पे कुछ गेम्स दिखाए थे खेल के, पबजी मोबाइल लाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड और भी थोड़े बहुत गेम्स देखे थे, तो वो सब तो बढ़िया चल रहा था। बट पबजी मोबाइल लाइट ऐसा गेम है जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पीसी में भी एमुलेटर में ठीक तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि वो ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होता है। बट अभी हम लोग चेक करेंगे कि इस प्रोसेसर में कैसा परफॉर्मेंस वो निकाल के देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एमुलेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एमुलेटर डाउनलोड करना तो ज़रूरी है, नहीं तो भाई कैसे वो खेलेंगे ना। तो हम लोग वही फेमस एमुलेटर है मेमोरी प्लेयर, उसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। देख लेना कैसे डाउनलोड करते हैं, बार बार मत पूछते रहना। यहाँ पे देखिए नया वर्जन आ चुका है 9, ये याद रखना। तो मैं इसको ऑनलाइन नहीं करूँगा, मैं इसको ऑफलाइन करूँगा। इसका जो फुल सेटअप है ना, फुल सेटअप को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। तो आपको भैया ऑफलाइन इंस्टॉलर पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो होने देते हैं, तब तक हम लोग को एक VPN की जरूरत पड़ सकती है। क्विक VPN पहले बहुत काम करता था बट अभी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे रहा है। तो हमें प्ले स्टोर से 2-3 VPN है वो यूज़ करेंगे। अगर प्ले स्टोर पे ही वो अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि एक है बीस्ट VPN, वो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ही वो काम करेगा। अगर आप उसका कोई और वर्जन अपने यहाँ से निकालोगे किसी वेबसाइट से तो वो काम ही नहीं करता भाई। पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ ना कुछ तरीके का कुछ कर रखा है हम लोगों ने। तो बात करेंगे उस पर भी, उससे पहले हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो फाइनली हम लोग का यहाँ पे मेमो एमुलेटर डाउनलोड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, बट अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो डायरेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना, तो ये डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तब तक आप लोग पीछे के जो बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं ऐप, ब्राउजर जो भी है, उन सबको बंद कर देना जिससे आपका रैम कम खाए। यहाँ पे आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, यस कर देना है एंड इसको कट कर देना। यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो चुका है, ये मेमो एमुलेटर 9 है एंड मुझे नहीं लगता शायद से इस पर चलेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो हम दूसरे वाले वर्जन पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं इसको सी ड्राइव पे कर देता हूँ क्योंकि मेरा SSD सी ड्राइव है। मेमो एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसको लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च होते टाइम अभी कुछ भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि आपका पीसी लो एंड है तो शायद से आपका मेमो एमुलेटर क्रैश हो सकता है या उसके अंदर का कोई फाइल क्रैश हो सकता है, जिसके वजह से आपको दोबारा से मेमो एमुलेटर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इसलिए फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होगा तो कुछ छेड़खानी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर से लॉग इन कर लेना है, जरूरी है क्योंकि हम लोग को VPN को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और VPN हम लोग को मिलेगा प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर में
बीस्ट वीपीएन टाइप करेंगे, ये कुछ और ही डाउन कर दिया। तो इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब इंस्टॉल कर लेंगे, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे तो प्ले स्टोर में। जब तक ये होता है तब तक हम लोग किसी एक ब्राउजर पे चलते हैं, एंड पबजी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करना जरूरी है, नहीं तो भाई कैसे होगा। तो किसी भी ब्राउजर में जाके google.com टाइप कर लेना आप लोग, क्योंकि गूगल में जाके सर्च करोगे तो जल्दी सर्च होता है। यहाँ पे आपको लिखना है पबजी मोबाइल लाइट, फिर एंटर कर देना। सबसे पहले आपको uptodown.com का वेबसाइट मिलेगा, इस पे आपको जाना है। ये वेबसाइट ही ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेता है, कभी कभी नेट स्पीड थोड़ा सा कम मिल जाएगा आपको क्योंकि सर्वर का इशू हो सकता है, देख लेना आप लोग। यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, 740 MB का फाइल है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम लोग देखते हैं हमारा, ये फिलहाल तो हमारा मेमो एमुलेटर अपडेट हो रहा है तो उसको होने देते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि नया नया हम लोगों ने मेमो एमुलेटर को इंस्टॉल किया है तो शायद से पेंडिंग हो रखा होगा, उसके कुछ फाइल्स वगैरह अपडेट हो रहा होगा, तो होने देते हैं फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो चलिए, हम लोग का PUBG मोबाइल लाइट का APK फाइल भी हो चुका है डाउनलोड, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डाउनलोड हो चुका है हमारा VPN भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी APK को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एमुलेटर के अंदर। देख लिया होगा आपने कैसे तरीके से मैंने किया है यहाँ पे इंस्टॉल APK फाइल को, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपके पास APK एंड OBB फाइल होगा तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, पर ये पूरा का पूरा फुल APK है तो कोई दिक्कत नहीं होता, फटाफट इंस्टॉल हो जाता है। अभी देखिए हो चुका है इंस्टॉल, अभी हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा। थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ सिस्टम रिलेटेड कुछ आ रखा है, तो ये ग्राफिक ड्राइवर मेरा अपडेट नहीं है इसमें बता दिया है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि मेरे पास कौन सा वाला ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, समझ जाओ आप लोग, क्योंकि मेरे पास है इंटेल HD का ग्राफिक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका अपडेट हम कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत पुराना हो रखा है, तो इसको हम कट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग थ्री लाइन पे क्लिक करके सेटिंग पे जाना है हमें, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कस्टमाइज करके यहाँ पे हमें रैम को 1558 कर देना है। देन यहाँ पे देखिए कुछ नया ऑप्शन भी आ चुका है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको डायरेक्ट टेक्स्ट पे रहने देते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं एंड यहाँ से ओके कर देंगे एंड रिस्टार्ट कर देंगे। तो भाई लोग फाइनली मैंने यहाँ पे चला दिया है अपने पबजी मोबाइल लाइट को। तो इससे पहले मैंने एंड्रॉयड 9 वाला वर्जन डाउनलोड किया था मेमो में, तो उस पर नहीं चला, एंड्रॉयड 9 में बार बार क्रैश कर रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से एंड्रॉयड 7 को इंस्टॉल करना है, वो भी नया वाला, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टी मेमो जो आपका इंस्टॉल होने के बाद आएगा इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते ही इसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉयड 9 का ऑप्शन वाला मिल जाएगा, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 9 को डिलीट कर देना है आप लोग को। उसकी जगह आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे देखो एंड्रॉयड 9 है, इसे इंस्टॉल नहीं करना। अब एंड्रॉयड 7 64-bit या एंड्रॉयड 7 32-bit, तो मैंने 32-bit इंस्टॉल किया है तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिला है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है, सब कुछ लैंग्वेज मतलब चाइनीज में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं शायद से, तो इसका भी सॉल्यूशन दिखाते हैं। मैं लैंग्वेज चेंज करके देखा बट हुआ नहीं, जैसे मुझे पता चलता है कि लैंग्वेज किस तरीके से चेंज कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करते हैं, हमारा गेम तो चल गया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार गेम प्ले करेंगे, जरूरी है गेम प्ले करना नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। एंड चाइनीज लैंग्वेज होने की वजह से यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर से भी लॉग इन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने गेस्ट अकाउंट फिलहाल खोल के रखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेटिंग दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे पिंग मेरे को 85 का मिल रहा है, अच्छा खासा पिंग मिल रहा है एशिया सर्वर में मैं चला रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी ग्राफिक है वो HD एंड अल्ट्रा तक जा रहा है, ठीक है, ये बढ़िया चीज है। एंड आप इसको एक्सट्रीम में भी कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज है मैंने भी बना रखे है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एक सेटिंग में ले जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा चीज चेंजेस हुआ है, इस पर हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। बट यहाँ पे देखिए डिवाइस में एंड्रॉयड में ROG 5 हाई फ्रेम रेट्स करके आ रखा है, तो यहाँ पे कुछ चीजें न्यू आई है तो इस पर भी हम लोग टेस्ट करूंगा मैं, देन उसके बाद आपको ब्रीफली बताऊंगा कि भाई इसमें और क्या क्या चीज नहीं आया है, न्यू आ रखा है मतलब। चलिए कोई बात नहीं, हम फटाफट से एक छोटा सा मैच स्टार्ट करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसा क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, परफॉर्मेंस कैसा मिल जाता है।
अरे भाई क्या आ रहा है बार बार? तो आप लोग को अगर PUBG मोबाइल ऐड खेलना है तो बीस्ट VPN यूज कीजिए, बहुत बढ़िया VPN है, बढ़िया तरीके से काम करेगा, पिंग भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको की मैपिंग भाई बढ़िया मिल जाती है, सारे कीज बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। हाँ बढ़िया तरीके से वर्क करे, कोई दिक्कत नहीं होता। इससे पहले थोड़े बहुत दिक्कत आते थे, आपको याद ही होगा की मैपिंग रिलेटेड बहुत सारे दिक्कत आते थे, तो वो दिक्कत तो फिलहाल नहीं आएंगे। इस गेम को अभी फिलहाल तो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये PUBG मोबाइल लाइट है, बहुत सारे बग्स इसके अंदर ऑलरेडी है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ ऑप्टिमाइज के ऊपर, तो आप लोग चुपचाप से जाके देख सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी गेम को, क्योंकि सेम हो जाता है सेम तरीके से, कोई दूसरा तरीका है नहीं ऑप्टिमाइज करने का। तो चलिए अब प्लेन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा लैग तो नहीं हो रहा, बट ठीक ठाक है, गेम चल रहा है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम ज़्यादा दिक्कत ना दे इसलिए हम लोग ग्राफिक को स्मूथ एंड अल्ट्रा पे कर लेते हैं, एंड थोड़ा बहुत आपको कम वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 FPS पे चल रहा है, 60 FPS पे चलता तो बढ़िया लगता। एंड मैंने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कर रखा है, क्योंकि मैंने OBS को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए OBS की वजह से ये दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर OBS को बंद कर दूंगा तो मेरे साउंड आना बंद हो जाएगा गेम के अंदर, अगर आप लोग ये कर सकते हो तो ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, OBS को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा साउंड आना फिलहाल यहाँ पे बंद हो जाएगा, गेम का साउंड नहीं आएगा, ठीक है। मैं OBS के द्वारा ही इससे कर रहा हूँ कंट्रोल, तो मैंने OBS को बंद कर दिया, अभी आपको गेम का साउंड नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया गेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही OBS को बंद करते ही। है ना, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तभी भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन ये गेम बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक न्यू गन आई है, इसको उठा लेते हम लोग, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ये गन। मैंने चलिए फिलहाल बहुत टाइम से खेलना छोड़ दिया है, तो मुझे गन्स के बारे में या कुछ नया अपडेट्स के बारे में इतना नहीं पता है। भाई की मैपिंग बढ़िया काम कर रहा है, जिनका भी की मैपिंग का इशू था वो लोग भाई इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एमुलेटर डाउनलोड कर लो लेटेस्ट वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं, बंदा नहीं है, देखो लैग होगा क्योंकि भाई ये जो गेम है पूरा बगी गेम है, ठीक है, पहले बता देता हूँ मैं, पूरा गेम बग से भरा पड़ा है और कभी भी ये बग जाएगा नहीं। अगर आपको खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, पिंग अच्छा आ रहा है 72 का। बढ़िया गन है भाई ये वाला, मुझे लग रहा है साउंड तो नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं, गेम बढ़िया चल रहा है। अगर आप ये प्रोसेसर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इस प्रोसेसर पे 10,000 रुपये का PC बना के आप लोग बढ़िया तरीके से गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बस इस पर एक ग्राफिक कार्ड लगा दो तो और बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और स्मूथ चलेगा गेम। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इस लो एंड PC में PUBG मोबाइल ऐड को इंस्टॉल करके खेलना है। एंड बहुत सारे लोग का डाउट भी था, क्या हम एक 10,000 के PC में PUBG मोबाइल लाइट को खेल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप खेल सकते हो, बट थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जो ऑप्टिमाइजेशन की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग जाके उसको वॉच करो, एंड अगर आप लेना चाहते हो ये PC तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जो भी नॉर्मल काम है वो तो बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो, एंड विंडो के अपडेट तो आते रहते हैं, ये मोबाइल की तरह नहीं है कि अपडेट आना बंद हो जाएगा। तो एक जेन्युइन विंडो खरीदो, इंस्टॉल कर लो, प्रोडक्ट की खरीद के इंस्टॉल कर लो, आपका विंडो अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जो भी बेसिक काम से वो तो आपके पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही देगा, एमुलेटर रिलेटेड गेम भी आपके बढ़िया तरीके से खिला देगा, एंड साथ ही आप लोग का जो भी मल्टीमीडिया जो भी देखना चाहते हो वो तो देख पाओगे ही। साथ ही में आप लोग जो भी लेटेस्ट गेम है वो फिलहाल एक ग्राफिक कार्ड के मदद से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लो से मीडियम सेटिंग पे बढ़िया तरीके का परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाते हो, अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा,
बट ग्राफिक कार्ड ऐसा लगाना जो इसके साथ मतलब कैपेबल हो, जो तो ग्राफिक कार्ड मत लगा देना हाई, मतलब RTX वाला ग्राफिक कार्ड लगा दोगे तो डेफिनेटली ये अच्छे तरीके का परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा, क्योंकि उसमें जो PCI स्लॉट है वो भाई उस ग्राफिक कार्ड पे सपोर्ट भी होना चाहिए, सपोर्ट नहीं करेगा तो दिक्कत दे सकता है। तो मैंने जितना भी ज्ञान पहला है आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे एंड मेरे ज्ञान को जो भी एक्सेप्ट करना चाहो कर सकते हो। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आप लोग को पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आप लोग इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप लोग चाहते हो कि किसी और तरीके का टेस्ट वगैरह मैं इस PC में करूँ तो डेफिनेटली मुझे बताना कि आपको और किस टाइप का टेस्ट चाहिए, या आप लेना चाहते हो तो उसमें क्या चलाना चाहते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल गाइस।